वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फ्राइडे और मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी सुबह। और जब मैं सुबह गई तो सुबह डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, तो जो डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छे हैं तो उन्हीं के पास मैं जाना चाह रही थी। तो फिर मैंने शाम की अपॉइंटमेंट ली है उनकी, तो शाम को मैं जाऊँगी। तो फिलहाल जो है जैसे जैसे डे पास हो रहे हैं मैं बेटर फील कर रही हूँ, मतलब चीज़ें जो हैं वो बेटर हो रही है मेरे लिए, कि खांसी कम हो गई है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम थोड़ी कम हो गई है, सर्दी ख़त्म हो गई है, फीवर जो है आज मैंने टेम्परेचर भी लिया था जो कि 98.4 था, जो कि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल धीरे धीरे सही हो रही है। और कारण ये है शायद मे भी मैं बहुत थक गई थी, मैंने आराम नहीं किया था। मैं वही बात हो गई थी कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो मंथ था वो ऐसा हो गया था कि घूमना 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 और रेस्ट नहीं मिल पाया था, क्योंकि जब हम लोग बांधवगढ़ से आए थे उसके बाद जस्ट 2 दिन बाद हम लोग को निकलना था, तो वो अनपैक देन पैक देन बहुत सारा काम हो जाता है, तो वो सब होते होते मेरे को रेस्ट नहीं मिला। उसके बाद फिर जो वेकेशन थे उसमें भी हम लोग रेगुलर घूम रहे थे, थोड़ा सा एग्जॉशन हो गया, थोड़ा सा पानी ने साथ दिया, थोड़ा सा टेम्परेचर इधर उधर हो गया कि ठंड थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा। अगर आप मेरा ट्रेन ब्लॉग देखेंगे तो यहाँ बहुत ठंड थी, और जैसे ही मैं वहाँ गई बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, तो टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत फ्लक्चुएट हुआ, जैसे सर्द गर्म और पानी में रहते हैं हम लोग और कई बार ध्यान नहीं देते, बहुत ठंडा हो गया पीना, बहुत ठंडा हो गया, बहुत आइस ले रही थी। जब मेरी गला थोड़ा ख़राब हुआ तब भी मैं बहुत आइस ले रही थी, तो बस वो सब चीज़ें मिला मुला के वो सब चीज़ें हुई। और फिर मेरे को लगा ठीक है, पर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और राजा भी हैं पर मेरी मम्मी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा कंसर्न है। मैं आती डॉक्टर के पास नहीं गई थी, तो मेरी मम्मी मुझसे कह रही थी कि जाके दिखा लो कि कुछ और ना हो, कि तुम लोग घोल रहे हो वो चीज़, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं आज, तो एक बार दिखा देंगे। वैसे मैं सही हूँ अभी और थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, रेस्ट मैं बहुत कर रही हूँ। मैंने किसी भी तरह का वो नहीं किया है कि लापरवाही बरती हो, क्योंकि बहुत सीरियस प्रॉब्लम हुई थी जो मुझे हुई थी। और सांस लेना, यानी एक टाइम पे आपको ऐसा लगता है आपका सांस चला गया, और कहीं ना कहीं एक सपना देखा था मैंने अपनी डेथ का, मैं आपको बताती हूँ। वो सपना जो था वो ऐसा था कि मैंने देखा कि मैं सोई हूँ और मेरी आत्मा जो है मैं मर गई हूँ, मुझे ये नहीं मालूम मैं मरी कैसे हूँ, पर मेरी जो आत्मा है वो राजा से कनेक्ट कर पा रही है, और मैं राजा से बात कर रही हूँ और राजा से ये बोल रही हूँ कि राजा मैं बहुत अकेला फील करती हूँ और मेरा मन नहीं लग रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं राजा को फोर्स कर रही हूँ कि वो भी मेरे साथ आत्मा बन जाए, पता नहीं क्या सपना देख रही थी मैं, पर राजा तैयार नहीं थे। मैं बहुत सपने में भी रो रही हूँ पर मैं मर चुकी थी। उसके बाद मुझे गॉड मतलब भगवान जी ने मुझसे बोला कि आपकी बॉडी में आपको दोबारा से भेज देते, मतलब पूरा ऐसा सपना था, बट मुझे मेरी फिर बॉडी नहीं मिल रही है। तो वो सपना मैंने देखा था अपनी एनिवर्सरी के एक दिन पहले, और उस दिन से मेरा मूड बहुत अपसेट हो गया था गोवा में, मतलब मन नहीं लगता है ना, मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। और उसके बाद ये बीमारी पड़ गई, और उसी दिन राजा ने भी, जिस दिन मैंने ये सपना देखा था, राजा ने मेरे ही रिगार्ड में एक सपना देखा था जो कि मैं नहीं बता सकती, पर बहुत ही अच्छा नहीं था वो सपना। राजा ने बोला कि उनके हाथों किसी का खून हो गया, क्योंकि कुछ ऐसा उन्होंने देख लिया था, और मेरी हालत बहुत ख़राब थी उसमें भी, कि मैं पूरे खून में थी और उन्होंने ये सब देखा था। तो ये सब देखा उनने और मैंने देखा, तो कहीं ना कहीं मेरा मूड ज़्यादा, मेरे को ज़्यादा हिट हो गई थी वो बात। और जब मुझे सांस नहीं आ रहा था ना, तो मुझे पता ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे को मैं मरने वाली हूँ, पता उस टाइम मुझे लग रहा था, और मेरे को लगा कहीं ना कहीं मेरा सपना सच हो रहा है। फिर मुझसे कुछ लोगों ने बोला कि ये सपना अच्छा होता है अगर आप अपना मरना देखते हैं कुछ देखते, पर मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। और जब मैंने भी गूगल में पढ़ा तो वो थोड़ा सा अच्छा ही वो कर रहा था कि हाँ ये सपना अच्छा होता है कि अगर आप मरना देखते हो, तो थोड़ा सा अपसेट हो गई थी। सपना कहीं ना कहीं थोड़ा आपकी लाइफ में, कई बार आप सपना देख लेते हैं कुछ और वो आपको एक हफ्ते तक 15 दिन तक हिट करता रहता है, मुझे उसने किया है हिट, और मेरी तबीयत भी साथ के साथ ख़राब हो गई, वो भी ऐसी वाली जो फर्स्ट टाइम ख़राब हुई थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा अपसेट हो गई थी। चलिए अब मैं जल्दी से लेके आती हूँ अपनी खिचड़ी और खाती हूँ, और फिर हम लोग चलते हैं, फिर हम लोग करते हैं गूगल और बोजो के साथ एक मीटिंग। ये लॉक खोल रहे हैं और मैं सो के उठी हूँ, मैंने बोला था ना मैं सोने जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ अभी डॉक्टर के पास। सुबह डॉक्टर प्लीज हेल्प मी। हाँ, तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, और उसके बाद फिर मैं आती हूँ
और मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या बोला था, मैं शॉल लेके जा रही हूँ एक्स्ट्रा पे कि थोड़ा सा मुँह वो मैं ढक वक के जाऊँगी। यहाँ पे ठंड नहीं है जैसे गोवा में थी ना रात में हल्की सी बीचेस के पास में, वैसी ठंड है, ठंड चली गई है। हम भी एसी का ब्लैंकेट ओढ़ रहे हैं, अब एसी चला नहीं रहे पर एसी का जो ब्लैंकेट है वो ओढ़ रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ, ये दवाइयाँ जो है मेरी वहाँ मुझे इस तरह से दवाइयाँ मिली थी, तो ये सारी दवाइयाँ जो है मैं लेके जा रही हूँ ताकि चेक कि दवाइयाँ सही है क्या है। वैसे अब तो ले ही ली, अब क्या कराना, पर एक बार दिखा देती हूँ जाके और जो भी होता है मैं बताती हूँ आप लोगों को आके, और फिर हम लोग करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। मैं राजा के लिए कुछ बना भी रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी, राजा को भी नहीं पता है, मैं बताती हूँ ठीक है। अभी बताती हूँ, पहले चलो जल्दी टाइम हो रहा है। तो मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल से, राजा भी आ गए हैं हॉस्पिटल से, तो हम जो डॉक्टर है वो मिल गए थे हम लोगों को। अब मैं आपको पहले बताती हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ बहुत ही अजीब हुआ है जो हुआ है ठीक है। एक सेकेंड, मैं ना मेरे लिए खिचड़ी रखी हुई है क्योंकि मैं अभी खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं खा रही। खिचड़ी बना रही हूँ, यहाँ पर मैं उपमा बना रही हूँ, तो सुबह मैं उपमा या पोहा बना लेती हूँ, अपने लिए खिचड़ी बना लेती हूँ। खिचड़ी मैं दोपहर में बना के रख लेती हूँ क्योंकि मटर जा रही है और मटर और राजा को मटर की कचौरी बहुत पसंद है और हम लोग पूरा एक महीना बाहर ही थे तो मैंने पीस के रखा है। इसमें है अदरक, हरी मिर्ची और मटर, इसे मैं भून के राजा के लिए कचौरी बना रही हूँ क्योंकि चली जाएंगी अब, मैंने बनाई नहीं है, इनको बड़ा मन होता है खाने का। अभी मैं इसमें मसाले थोड़ा भुनेगा ना उसके बाद डालूंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ और हम लोग चलते थोड़ा सा बेडरूम में। तो क्या हुआ, तो हम लोग एक महीने मान लीजिए, मैं एक अप्रॉक्स बता रही हूँ आपको, 5 तारीख से हम लोग बाहर ही थे, तो हम एक महीने से बाहर ही थे और कहीं ना कहीं मुझे कुछ ज़्यादा अपनी साइकिल के बारे में मैंने सोचा नहीं और देखा भी नहीं, उनको याद भी नहीं था क्योंकि अभी इस साइकिल से पहले एक केमिकल थी, मुझे बहुत ज़्यादा केमिकल हो रही है और मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आने के बाद वो डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी। तो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मुझसे पता नहीं, उनने नहीं पूछा, गोवा वाले ने, इनने मुझसे पूछा कि कुछ प्रेगनेंसी वगैरह तो नहीं दवाई देने से पहले, तो मैंने बोला नहीं, फिर उन्होंने बोला लास्ट साइकिल आपकी। तो मैंने अपना फ्लो ऐप जो है वो खोला और उसमें मैंने देखा 2 दिन स्किप हो गए और मुझे पता ही नहीं था कि 2 दिन स्किप हो गए। तो उन्होंने मुझसे बोला एक प्रेगनेंसी टेस्ट ले लेते हैं, तो प्रेगनेंसी टेस्ट मुझे तो पता था कुछ नहीं होने वाला, और तो फिर उन्होंने बोला प्रेगनेंसी टेस्ट ले लेते हैं। मैं बहुत डल लग रही हूँ क्योंकि लाइट्स बहुत वैसी लग रही, गंदी सी लाइट बहुत ज़्यादा हो गई, मैं डल हो भी गई हूँ थोड़ा सा, मुझे टैन हो गया। तो वहाँ पे फिर मुझे 11-12-13 हो गया। हाँ, तो फिर फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन नहीं था, पर फिर उन्होंने बोला क्योंकि 2 दिन हो गए तो किसी भी डे पे करते हैं, मतलब किसी भी टाइम पे करते हैं, तो अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपको जो मेडिसिन है वो दे देंगे। है नंगे? कोई नंगा नहीं है। हाँ, तो आपको जो मेडिसिन है वो दे देंगे। तो फिर मैंने, हाँ फिर मैंने जो टेस्ट है वो लिया जाके और फिर डॉक्टर के पास आई, 5 मिनट हमने वेट किया और मेरे को लगता है कि मेरी बॉडी में कुछ गड़बड़ है। तो इसमें ना एकदम लाइट पेंट लाइन है, एकदम लाइट पेंट लाइन, तो पेंट लाइन पे अब यकीन नहीं होता है। पहले भी ऐसा हुआ है कि जो केमिकल्स रही है उनमें पेंट लाइन जो है वो रही है, तो अगर आपकी टेस्ट में पेंट लाइन आ रही है तो मान के चलिए वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पहले बहुत गूगल करती थी तो बस पता था पेंट लाइन मीन्स पॉजिटिव। तो डॉक्टर ने मुझसे बोला कि आप वेट करिए, हम आपको फिलहाल कोई मेडिसिन नहीं देंगे, 1 हफ्ता वेट करके उसके बाद। फिर मैंने बोला, गोवा वाले डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी वो भी बोल दिया कि वो भी मत लीजिए, वो अभी मना किया है उन्होंने मुझे, प्रेगनेंसी नहीं है क्योंकि किसी भी तरह से ना मैं से प्रेगनेंसी नहीं मानती हूँ, पेंट लाइन मेरे लिए नहीं है, एकदम लाइट पेंट है। चलो इसके भरोसे बैठे रहे और हफ्ते टेस्ट करते रहे और 2-3 महीने तक अरे हाँ प्रेगनेंट है और क्या हुआ आगे चल के? नहीं, वो तो ऐसे में वो आ जाते हैं, साइकिल आती रहती है। अच्छा, आ जाती है? हाँ, मेरी ऑटोमेटिकली 10 दिन बाद आ जाती है ऐसे उसमें। तो केमिकल, फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा केमिकल हो रही है, मतलब कि लगातार मुझे केमिकल हो रही है। फिर उन्होंने बोला प्रोजेस्टेरोन की कमी है आपको, या फिर जो ल्यूटियल फेस, एक फेस रहता है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आप एक बार टेस्ट करा लीजिएगा एक बार। फिर मैंने बोला कि एक बार हम लोग करते हैं कि एक अपॉइंटमेंट लेते हैं और जितने भी दोनों के टेस्ट हैं, कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से बहुत पहले से कह रही हूँ कि कंसीविंग में प्रॉब्लम नहीं है, कंसीविंग के बाद जो
टाइम व्यतीत करना होता है, तीन व्यतीत तीन महीने का, या अगर एकदम डार्क कन्फर्म हो जाती है तो उसके बाद भी, तो वो वाली प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो उन्होंने बोला कि वो दवाई से करेक्ट हो सकती होगी, तो वो करने पूरी कोशिश करेंगे। हो नहीं सकती होगी, हो जाती है। हाँ, उन्होंने बोला हो जाती है, 95% उन्होंने बोला कि हो जाएगी। उन्होंने बोला कि आजकल के केसेस में 60-70% लोगों के साथ ये दिक्कत है। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि एक काम करिए, क्योंकि लाइट पेंट दिख रही है, क्योंकि डॉक्टर रेस्ट नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने बोला कि फिलहाल ये जो दवाई है, मैंने बोला ऑलरेडी मैं दिन की 14-14 दवाइयां जो है वो खा चुकी हूँ। अब जो भी होना है वो तो हो चुका है, अगर कुछ भी है गड़बड़ तो वो तो हो चुकी है। अगर प्रेगनेंसी थी भी तो वो, अब मैंने बोला बहुत गर्म थी दवाइयां, तो वही मैंने बोला। उन्होंने बोला अब जो हो चुका है वो हो चुका है, पर अभी अगर हम कुछ चीज अवॉइड कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं। एक्चुअली मैं ना बहुत ही क्लियर लाइन है, आपको पता है, पर पेंट लाइन है, ये वही लाइन है जो कि मुझे दिसंबर में हुई थी या जनवरी में, दिसंबर में हुई थी, केमिकली प्रेगनेंसी थी 10 दिन बाद। तो ये भी केमिकली है, मुझे बहुत, मैंने बोला मुझे 99% कन्फर्म है मुझे केमिकल है फिर से, क्योंकि केमिकल और मेरा भी नाता बहुत ज़्यादा चल रहा है। पहले पॉजिटिव आके होता था 1-1.5 महीने में कुछ हो रहा है तो, बट अभी पॉजिटिव या पेंट पॉजिटिव आके 10-15 दिन या 1 महीने में कुछ हो जाता है। तो फिर उन्होंने मुझे अभी दवाई अवॉइड कराई है, बट जो भी डिजास्टर या जो भी होना था उसे मैं अंडू नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो होना था मैं दवाई खा चुकी हूँ। मैंने बोला मतलब बहुत घूमे फिरे, खाना पीना पूरा ऐसा रहा, और दवाइयाँ लगातार, अभी कफ सीरप से लेके एंटीबायोटिक्स, उसमें अस्थमा की दवाई भी थी, उन्होंने मुझे बताया अस्थमा की दवाई तक उन्होंने मुझे दी, अस्थमा की दवाई थी। हाँ, अस्थमा की दवाई भी दी थी उन्होंने मुझे, तो उसके रिगार्डिंग मुझे अपने भाई से बात करनी पड़ेगी, तो मैं कल बात करूँगी। तो ये सब है, और दवाई मुझे कुछ नहीं मिली। डॉक्टर ने बोला अभी आप फिर भी ठीक हो, उन्होंने जैसे चेक किया, उन्होंने बोला हल्का सा कफ है आपको, वैसे ठीक है। पर मेरे पास पता है कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जो मुझे डिक्लेयर कर रहे हैं कि मुझे कोरोना वायरस। कुछ लोग कंफर्म कर रहे हैं मुझे पहले से कि आपको ना कोरोना वायरस है। और पता है अब पेंट भी आई, पहले पेंट देख के बड़ी खुश होती थी, अरे यार देखो पॉजिटिव आ रहा है टेस्ट। अब मुझे ना कोई फीलिंग नहीं आती है पेंट देख के, क्योंकि मुझे पता है इसका 10 दिन बाद वही एंड रिजल्ट होना है, और मैं अभी बहुत ज्यादा कंफर्म हूँ कि 10 दिन बाद वही होना है जो मैंने सोचा है, क्योंकि इसके अलावा दवाई बहुत खाली है। और ये कहीं ना कहीं मुझे पता है कि कहीं ना कहीं किसी में थोड़ी बहुत कमी है, उन्हें बोला ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत किसी में कमी है, तो दोनों की दवाइयाँ जो है वो शुरू करानी पड़ेगी। क्यों आ रहा, पानी पियो, जाओ पानी पियो। और मार्च से जो मेडिसिन है वो मैं शुरू करूंगी, पहले तो इन दवाइयों का साइड इफेक्ट ही जाना पड़ेगा, अभी पता नहीं क्या साइड इफेक्ट होना है इसका, क्या नहीं होना है, पहले इसी का साइड इफेक्ट होगा। जो हो गया वो हो गया, मत सोचो फालतू, और लेकिन अब दवाई मत खाना, एक हफ्ते 10 दिन वेट करो, हो सकता है लाइन डार्क हो जाए, या फिर हो सकता है कि वो ही होगा, हो सकता है लाइन डार्क तो नहीं होगी, मैं आपको बता रही हूं। लाइन डार्क हो गई और दवाइयां नहीं, दवाइयां इतनी खाई है, गर्म हुआ है और कुछ गड़बड़ हो गया, फिर क्या करेंगे। स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए, एक हफ्ता आ जाएंगे। अच्छा आ जाएंगे, मुझे पता है, मैं अब उम्मीद खो चुकी हूँ इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मुझे पता है मुझे कुछ दवाइयाँ करनी पड़ेगी, जैसे ही दवाइयाँ होंगी मुझे पता है कि हो जाएगा, मैं बहुत श्योर हो जाएगा। फिलहाल ये हुआ है, तो चलिए मैं जाके इनकी कसौरी बना देती हूँ। और क्या कसौरी, कसौरी जिंदगी की। देखो इतनी तबीयत खराब है, उसके बाद भी तुम्हारी कसौरी बना। मैंने मना कर रहा हूँ आपको, मटर चली जाएगी ना, तो फिर मुझे मटर, अरे किसने बोला चली जाती है, फ्रोजन मटर तो मिलती है, उससे भी बनती कचौरी, फ्रेश मटर की कचौरी की बात अलग होती है, उससे बनाती भी नहीं। ऐसा होता है क्या? मैं फ्रेश मटर बहुत ही, मतलब जो फ्रोजन मटर है बहुत रेयर, कभी मटर पनीर बनाना, वरना मटर यूज ही नहीं करती हूँ। चलिए चलते
खिला दिया, मैंने जो है खाना खा लिया। अब मटर की कचौरी कैसी लगी राजा बीबी? एक नंबर बामन। हाँ तो मैंने खाना खा लिया है और मेरा भी फिलहाल एक ही काम है, कपड़े धो कपड़े धो कपड़े धो। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में लाइक दिन में कम से कम 5-6 बार एक एक राउंड लगाती हूँ कपड़ों का, ताकि जो कपड़े हैं वो टाइम से धुल जाए। तो कपड़ों का मैंने राउंड लगा लिया है। अब आपको मैं मिलवाती हूँ मिस्टर गूगू से, क्योंकि गूगल से आप लोग नहीं मिले थे और गूगल को हम लोग उस दिन शाम को लेके आए थे और ब्लॉग जो था वो एंड हो गया था, जो मैंने खाना बनाया था उसके बाद। तो मिलवाती हूँ गूगल से। रात का नशा अभी, एक्चुअली में से नींद आ रही। रात का नशा अभी, एक्चुअली में ना मेरे जूते ये छीटता है मुंह पे और मुझे भी ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई और भी प्रॉब्लम हो जाए, है ना बेबी? ये पता सीरियसली मेरे मुंह पे छीटता है, देखिए देखिए ये देखो। भैया दूर रहना मुंह से। रात का देखिए देखिए छीक रहा है, रात का नशा भी। चलो हाई करो ब्लॉग्स में, कैसा लग रहा है आपको आके दिनों बाद? इसे बिल्कुल पसंद, ये बहुत डेंजरस पता है। तो इसे दिनों बाद आके, इसे दिनों बाद आके अच्छा नहीं लग रहा है, ये इतना हैप्पी नहीं है जितना हैप्पी बोजो है। तो बोजो और गूगल में एक अंतर आता है कि जो बोजो है वो तो बहुत अलग से एक्टिव रहता है, ये उतना ही सुस्त हो जाता है ना दादा? दोनों में ये अंतर आता है, ये देखिए देखिए। चलिए मैं जल्दी से ना छोड़ देती हूँ नीचे, वरना मुझे मार डालेगा। और अल्लाह कर रहा है खाई के लिए खराब। तो मैं चाय बना के लेके आई हूँ अपने लिए और राजा के लिए। तो आप सोच रहे हैं इतने ऑफ टाइम पे चाय, तो गले को 3 बजे कोई चाय पीता है? चल हाँ, रात के 3 बजे हल्ला हो जाते हैं लोग, उठते भोगते रात के 3 बजे। तो चाय बना के लाई हूँ मैं और थोड़ी सी बिस्कुट भी ले आई हूँ और थोड़ी सी नमकीन। तो डॉक्टर विजिट के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया, तो इस चीज़ को सीरियसली मत लीजिए कि मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेती। अब पहले होता तो शायद मैं उछलती थी पहले इन सब बातों को देख के और इस चीज़ देख के इतनी खुश हो जाती थी। हाँ मुझे पता नहीं, पहले आप पता आप बहुत लोग फेक पॉजिटिव को पॉजिटिव मानते हैं और मुझसे कुछ लोग बोलेंगे कि आपको इसे हाइड करना था या ये करना था। हाइड जैसी कोई चीज़ नहीं थी इसमें कि मैं हाइड करती, क्योंकि ये मेरे लिए होती नहीं है प्रेगनेंसी, मैं से काउंट ही नहीं करती क्योंकि जितनी बार हुई है ये होती ही नहीं है, तो ये कोई वो नहीं है। और इवन मैं से प्रेगनेंसी भी नहीं बोलती, क्योंकि वो जो डॉक्टर हम लोग गए थे इनके पास, उनने फिर भी चली दवाई नहीं दी। अगर मेरी जो जो गायनिक है वो तो बोलती तो नेगेटिव है, तो वो तो दवाई भी दे रही थी, है ना? पर गायनिक के पास हम लोग ऐसे जाते ही नहीं, तो वो तो सही भी दे रही थी। हाँ वो दवाई नेगेटिव ही है। हाँ वो नेगेटिव बोल के दे रही थी, तो उनने मुझसे बोला 1 हफ्ते वेट कर लो। मैं 1 हफ्ते वेट कर लेती हूँ, पर अगर मेरी गले की कंडीशन जो है वो सही नहीं होती है, वो हल्का फुल्का जो भी है, तो फिर देखती हूँ मैं कि क्या करती हूँ क्या नहीं करती। और मुझे कोई कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना वायरस का मजाक ना उड़ाए कोई भी कि मुझे कोरोना वायरस है या फिर मैंने कोरोना वायरस है। मुझे एक दो लोगों ने बोला, एकदम डायरेक्ट बोला था कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस नहीं है। और उसका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, बहुत सारे लोगों की जान चली गई उसके कारण, और आप ऐसे आके बोल रहे हैं, तो वो एक सीरियस मैटर है। और मैटर को मैं नहीं उछालना चाह रही थी, और ना मैंने आई थिंक ब्लॉग में मैंने बोला होगा, पर मैंने एक भी हेडिंग ऐसी नहीं दी कि वो उससे रिलेटेड, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है और उस चीज़ के साथ नहीं खिलवाड़ करना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो 1 हफ्ते वेट करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है मुझे पता है, और कोई भी सीरियस नहीं है। मेरे डॉक्टर जो है वो उन्हें लग रहा है, क्योंकि ये हल्का फुल्का सब दिख रहा था उसमें, तो उन्हें लग रहा है, तो इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे, तो उन्होंने बोला 1 हफ्ते वेट कर लो। मुझे पता है कोई फ़ायदा नहीं है, और जो भी होना है वो तो दवाई खा के हो चुका है, वैसे भी कुछ नहीं मेरे लिए कुछ नहीं, क्योंकि मेरी गायने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मैं सीरियसली नहीं ले रही हूँ, ना ही कोई सीरियसली ले। मैं बस एक बार ये टाइम निकल जाओ थोड़ा ठीक हो जाऊँ, लाइक 1 हफ्ता के आसपास का टाइम मिले, उसके बाद फिर मैं जाती हूँ गायने के पास और इन सब चीज़ों को फिक्स करती हूँ फाइनली, क्योंकि ये सब चीज़ें फिक्स ही नहीं हो पा रही थी। अब सब कुछ फिक्स करती हूँ, सब कुछ कि क्या है क्या नहीं है, ये सब क्यों है, और क्या मेरा दिमाग की खाली पीली बत्ती गोल करके रखी है। तो चलिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे ब्लॉग को एंड, मैं आपसे मिलती हूँ कल भी न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, बाय।